मैं पूज्यपाद हूँ विष्णुपाद, शिष्यमत भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम, उपस्थित वैष्णव और वैष्णव के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। महाराज जी का आदेश था कि कुछ कथा बोलना है। कितने ही दिनों से हमें महाराज जी के मुखारविंद से श्रीमद्भागवतम का पूरा विस्तार से हरि कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी की टीका मुख्य रूप से, श्रीधरी टीका और भी जितने भी आचार्यों की टीकाएं हैं मुख्य मुख्य है, वो सब हमें श्रवण करने को मिली। और साथ ही साथ हम सब जो भी यहाँ पे रह रहे हैं उन सबको अच्छे से इनके नोट्स बनाने का अवसर मिला, ताकि हम अच्छे से इस कथा को समझ सकें। तो जितनी भी कथाएं हैं भागवत में, कहा जाता है कि भागवत में 100 उपाख्यान हैं, और भागवत का जैसे कि हमने महाराज जी के मुखारविंद से सुना कि जो ये श्रीमद्भागवत ग्रंथ है, इसके जो 3 श्लोक पहले महाराज जी ने बताए थे संबंध अविद्या और प्रयोजन के, तो उसमें महाराज जी ने बताया था कि जो वस्तु निर्देश मूलक इसमें श्लोक है जो कि संबंध तत्व का निरूपण करता है, वो जन्मादस्य श्लोक, पहला श्लोक जो कि श्रीमद्भागवतम का जन्मादस्य यथोन्व्याह, तो वो श्लोक को बताया गया संबंधात्मक श्लोक कि संबंध क्या है भगवान के साथ। उसमें स्थापित कर दिया कि कृष्ण ही परम तत्व हैं। उसके बाद धर्म प्रोजित कैतवोत्तर श्लोक जो है, जिसमें कि बताया गया कि इसमें कपट रहित धर्म का वर्णन है, अर्थात पंचम पुरुषार्थ प्रेम का वर्णन है, और कृष्ण भगवान की सेवा का ही तात्पर्य है, जिसमें वास्तव वस्तु का निरूपण किया गया है। इस श्लोक को बोला गया नमस्कार मूलक श्लोक, और साथ ही साथ अभिधेय कि हमें करना क्या है, और तीसरा है प्रयोजन। प्रयोजन होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, प्राप्त क्या करना चाहते हैं, तो उसके लिए बताया गया जो निगम कल्प तरोर गलितम फलम मुख सुखाद अमृत द्रव संयुतम पिवत भागतम रसमाल्यम रसिका मुहुरो भूवि भावुका। तो यह जो श्लोक है इसको बताया गया कि यह प्रयोजनात्मक श्लोक है, आशीर्वाद मूलक श्लोक है। तो इस तरह से 3 श्लोक महाराज जी ने इसको अच्छे से हमें बताया। और कथा सुनते सुनते अभी आगे हम कुंती स्तुति सुना, पूरा पहले महात्म्य सुना, महात्म्य भी महाराज जी ने स्कंद पुराण का जो महात्म्य है वो वर्णित वो महात्म्य सुनाया हमें, और पूरी कथा श्रवण करते करते नारद जी की कथा सुनी हमें हमने। और जितनी भी ये कथाएँ हैं जो है एक अमृत का प्रवाह की तरह चली, और इसमें हमें बहुत कुछ श्रवण करने का सौभाग्य मिला। अब इसमें जैसे कि तुलसीदास जी कहते हैं ना कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, कि राम जी की कथा क्या है, भगवान की कथा कैसी है, गूढ़ है। श्रोता और वक्ता कैसे हैं, कथा की ज्ञान निधि। और क्या बताया किमि समुझू में जीव जड़, अपना दैन्य प्रकट करते हुए कहते हैं किमि समुझू में जीव जड़ कलिमल ग्रस्त विमूढ़, कि एक कलिमल से ग्रसित विमूढ़ व्यक्ति मैं इस कथा को कैसे जान सकता हूँ, यद्यपि वो इस कथा को लिख रहे हैं। इसी प्रकार भागवतम, चाहे वो कोई भी कथा है, राम कथा है, कृष्ण कथा है, भगवान की कथा है, वो बहुत गूढ़ है। गूढ़ कैसे है, कई तरह के प्रश्न मन में आते हैं। जब तक वो प्रश्न जो है मन में नहीं आएंगे, तो इसका अर्थ है कि हमने कथा में प्रवेश नहीं किया अभी तक। तो जैसे कि सबसे पहले हमने महाराज जी के मुखारविंद से श्रवण किया कि यह जो कथा है श्रीमद् भागवतम की, ये वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ को लिखा। कब लिखा, जब वो 17 पुराणों को लिख चुके थे, 17 पुराण लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, वेदों का विभाजन कर दिया। सब करने के बाद फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिल रही, और फिर नारद जी सामने प्रकट हुए, उनको दर्शन हुए, नारद जी ने उनको आज्ञा दी कि आपने सब कुछ किया, लेकिन अभी तक आपने जो है वास्तव वस्तु जिसको बताया गया ना प्रेम का वर्णन नहीं किया, और कृष्ण भगवान की लीलाओं का मुक्त कंठ से गान नहीं किया, इसीलिए आप एक ऐसा ग्रंथ रचना करो, श्रीमद् भागवतम की रचना करो, जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन हो। तब वेद व्यास जी, जो कि पहले से ही अन्य अन्य ग्रंथों में श्रीमद् भागवतम की महिमा का वर्णन कर चुके हैं, वो उस ग्रंथ को लिख रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न ये आता है सबसे पहले कि जो वेद व्यास जी पहले 17 पुराणों में महात्म्य कर चुके हैं वर्णन जिस ग्रंथ का, तो उनका मन कैसे खिन्न हो गया। अरे जिस चीज का महात्म्य ही मैं वर्णन कर चुका हूं पहले,
तो उसको जानने के लिए मुझे किसी की जरूरत क्यों पड़ेगी? तो इसका उत्तर बताया कि कोई भी ज्ञान जो है वो तभी सिद्ध होता है जब वो गुरु परंपरा से प्राप्त हो, नहीं तो वो शुष्क ज्ञान कहलाता है। अब क्या था, हम जैसे सुबह सुबह रोज कीर्तन करते हैं, कृष्ण हयते चतुर्मुख, हय कृष्ण सेवोन्मुख, ब्रह्मा हयते नारदेर मति, कि पहले ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद हयते व्यास, नारद जी से वेद व्यास जी ने प्राप्त किया। तो ऐसे करके ये जो गुरु परंपरागत ज्ञान है सब तक पहुंचता है। तो उसी परंपरा में वेद व्यास जी, यद्यपि वो भगवान के अवतार हैं, लेकिन जब उनको उनके गुरु श्री नारद जी ने आदेश दिया तभी उनको उन्होंने उस ग्रंथ की रचना की। और दूसरा क्या बताते हैं कि अब एक प्रश्न और आता है मन में कि नारद जी ने तो वेद व्यास जी को यह कहा था कि आप बहुत वर्णन कर चुके हैं 17 पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में, कथाओं के माध्यम से, अब आप भगवान की लीलाओं का गान करें। तो वो वेद व्यास जी जिनको अब यह आज्ञा हुई है, वो वेद व्यास जी फिर दोबारा वही जो कि कल प्रभु जी ने बताया, हमारे आदि केशव प्रभु जी ने कथा बताई ना कि सर्ग विसर्ग जो सब उक्ति स्थान पोषण ईशानु कथा मन्वंतरणु कथा, तो वो सब वर्णन क्यों करने बैठ गए? पहले 9 स्कंध उन्होंने क्यों लिखे? यद्यपि उनको तो आज्ञा हुई थी कि आप भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए, तो वो तो लीलाएं तो दशम स्कंद में आके आती हैं, भगवान कृष्ण की लीलाएं जिनका उनको वर्णन करने के लिए कहा गया था, उन लीलाओं का वर्णन उन्होंने दशम स्कंद में किया। तो उन्होंने पहले 9 स्कंद रचना क्यों की? क्या वेद व्यास जी को इतनी जो है पता नहीं है इस बात का? यद्यपि वो इन सब कथाओं का वर्णन तो अन्य अन्य पुराणों में भी कर चुके हैं, ये जितनी भी कथाएं हैं अन्य अन्य पुराणों में कहीं ना कहीं संक्षेप में कहीं विस्तार से मिल जाती हैं। जो 9 स्कंद की कथा है, प्रहलाद जी की कथा, जैसे हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी कथा है, नरसिंह पुराण है पूरा, एक वराह पुराण है, उसमें कथा है सारी। तो फिर उन्होंने ऐसे वर्णन क्यों किया? इसकी हमारे प्रभु जी ने एक बार कथा बताई थी, परमेश्वर प्रभु जी ने, कि एक बार एक इस्कोन के डिवोटी थे, वो 20-25 साल से इस्कोन में सेवा कर रहे थे, तो उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी, बहुत सेवा कर रहे हैं, हरि नाम भी करते हैं। तो एक बार प्रभु जी के पास आए, प्रभु जी के पास आके बोले कि मैं इतने साल से सेवा कर रहा हूँ इस्कोन में, और मैं जो है माला भी करता हूँ, 32 माला नियम से करता हूँ, जैसे कि बताया जाता है कि सुन सुन के नाम को करना चाहिए, लेकिन फिर भी इतना कुछ अनुभूति नहीं है या उस तरह से कुछ आगे लग नहीं रहा। तो प्रभु जी ने उसको एक प्रश्न पूछा कि आपने श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया है? तो उन्होंने कहा हाँ। प्रभु जी ने पूछा कितनी बार? तो बोला मैंने 8 बार अच्छे से भागवतम को पढ़ा है। तो प्रभु जी ने उनको यही प्रश्न किया फिर कि यह बताओ कि वेद व्यास जी को तो भगवान ने कहा था, उनको वेद व्यास जी को तो नारद जी ने कहा था कि आप भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करें, फिर उन्होंने 9 स्कंद क्यों लिखे? तो उनको कहते कि ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। तो फिर प्रभु जी ने उनको ये बताया जो कि कल हमारे आदि केशव प्रभु ने कथा बताई ना सर्ग विसर्ग की, जहां यहाँ पे ये श्लोक ही बताता है, इसमें बताया ना जो श्लोक क्या है, दशमस्य विशुद्ध अर्थम, पहले बताया अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषण मूत्य मनवंत्रण ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय, और क्या बताया, दशमस्य विशुद्ध अर्थम नवा नाम यह लक्षणम वर्ण्यंती महात्मान श्रुतेनार्थेन चांजसा, कि यह जो सर्ग विसर्ग जो भी बताया, स्थान पोषण उक्ति मनवंत्रण ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय, तो ये जो 9 लक्षण है, इन सब 9 लक्षणों की कथा पहले उन्होंने बताई। क्यों? कि भैया पहले से जो सर्ग में क्या बताया कि पंच जो 24 तत्व हैं, पंच महाभूत, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, तन मात्राएं, इनसे कैसे सृष्टि होती है, विराट पुरुष से कैसे उत्पन्न होता है। फिर ब्रह्मा जी की सृष्टि का वर्णन किया विसर्ग में। फिर स्थिति में भगवान का जो है विजय, ब्रह्मा और शंकर जी से भगवान को उत्कर्ष, पोषण में भगवान अपने भक्तों का कैसे पालन करते हैं, अजामिल की कथा, और उक्ति में कर्म वासनाएं, ईश कथा में भगवान की कथाएं, जितनी भी अवतारों की कथा आ गई, और भगवान का योग निद्रा का वर्णन निरोध में, और मुक्ति के बाद मुक्ति में क्या बताया, स्थूल और सूक्ष्म देह को त्याग करके लिंग देह का भंग होने पर जब जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसी का नाम मुक्ति है, भगवान की सेवा का पार्श्व देह प्राप्त करता है। तो इन सब का लास्ट में बताया आश्रय, जिसका कि वर्णन किया गया फिर जो कि लीलाएं भगवान की, तो वो आश्रय कौन है? कृष्ण। तो पहले जो जो 9 स्कंद में इन सब का वर्णन किया गया ताकि किसी भी व्यक्ति के मन में शंका ना हो जाए। क्यों? अब प्रभु जी ने इसका उत्तर बताया, कहते क्योंकि दशम स्कंद तो शुरू शुरू ही इससे होता है, भगवान अपि तारात्रि शरदो उत्फुल्ल मल्लिका विक्षय रंतु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रित,
कि भगवान ने जो है उन रात्रियों को देख के भगवान के मन में क्या इच्छा पैदा हो गई, रास करने की इच्छा पैदा हो गई। अब ऐसे एक कृष्ण है, एक बालक है, अगर कोई व्यक्ति जिसको यही नहीं पता कृष्ण कौन है, वो ऐसी कथा सुनेगा तो उसके मन में शंका आनी ही आनी है भगवान के प्रति कि ऐसे इतनी गोपियों के साथ रास करने की इच्छा क्यों पैदा हो गई। तो इसीलिए कि ये शंका ना आ जाए, पहले सब वर्णन किया उन्होंने कि भैया सर्ग विसर्ग जितना भी है इन सब का आश्रय कौन है, कृष्ण। जितने भी अवतार हैं उन सब का मूल कौन है, कृष्ण। जितने भी नारायण आदि अवतार, पुरुषावतार, सारे अवतारों का वर्णन किया, सबका आश्रय कौन है, कृष्ण। जितने भी प्रकार के भक्त हैं उनका पालन कौन करते हैं, कृष्ण। जितने भी मनवंत्र हैं, 14 मनवंत्रों की कथा, किस प्रकार से युग परिवर्तित होते हैं और भगवान हर एक मनवंत्र में अवतार लेते हैं, युग अवतार का वर्णन किया, सबका आश्रय कौन है, कृष्ण। इस तरह से बताते बताते तब जब हृदय में यह स्थित हो गया कि यह जो कौन भगवान है, तब जो है हृदय में ऐश्वर्य भाव भगवान के प्रति स्थापित हो गया। अब जो वो भगवान की मधुर मधुर लीलाएं हैं उनको सुनने में आनंद आएगा। इसका बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल प्रभु जी बताते थे। देखो, कहते कृष्ण भगवान कैसी लीलाएं कर रहे हैं, मक्खन चोरी कर रहे हैं, गोपियों के वस्त्र चुरा रहे हैं। अगर किसी साधारण घर का बेटा ऐसी हरकतें करे तो उसको मार पड़ेगी, एक दो दिन तो हंसेंगे, तीसरे दिन पुलिस को बुला लिया जाएगा। लेकिन भगवान की लीलाएं सुन के हमें आनंद होता है, क्यों? क्योंकि भाई जब तक हमारे हृदय में भगवान का ऐश्वर्य स्थापित नहीं होगा, क्योंकि वो कृष्ण है, वो भगवान है, सर्ग विसर्ग जितना भी कुछ बताएगा उन सबके आश्रय हैं। इसीलिए वो जो ऐसी लीलाएं कर रहे हैं भगवान होके भी, तब हमें सुनने में आनंद आ रहा है। क्यों? कैसी कैसी कथाएं हैं वहां पे, ऐसे ऐसे श्लोक है। मेहन आदि, मेहन का अर्थ होता है गोपियों के चूल्हे में जाके भगवान क्या कर देते थे, मलमूत्र का त्याग कर देते थे जब उनको खाने को नहीं मिलता था किसी के घर में। अब ऐसी जो कथाएं हैं इनको सुनने हमें तो बड़ी आनंद होता है कि वो भगवान ऐसा कर रहे हैं। अरे वो भगवान जिनसे कि जिनके लिए क्या बोला गया, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवंती दिव्य स्तवी वेदे सांग पद कर्म उपनिषदो गायंती यम सामगा ध्यान अवस्थित जद गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्य अंतम न विदु सुरासुर यस्य ना देवाई देवी तस्मे नमः। क्या बताया गया कि जिनका अंत सुर और असुर भी नहीं पा सकते ऐसे भगवान को नमस्कार है, जिनको सब प्रणाम करते हैं। वो भगवान कैसी लीलाएं कर रहे हैं, गोपियों के चूल्हे में मूत रहे हैं, मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं। अब ऐसी कथाएं सुन के, ऐसी कथाएं कोई आर्य समाजी, प्रभु जी कहते हैं आर्य समाजी कितना, इसीलिए वो भागवतम को नहीं मानते क्योंकि वो 9 स्कंद पढ़ते नहीं है, दशम स्कंद की कथाएं थोड़ा थोड़ा कहीं से सुन लेते हैं और उनको कभी मन में ये विश्वास पैदा ही नहीं होता कि कृष्ण भगवान हो सकते हैं। वो क्या करते हैं, गीता के कृष्ण को तो मानते हैं लेकिन भागवत के कृष्ण को नहीं मानते क्योंकि उन्होंने 9 स्कंद अच्छे से नहीं पढ़े। इसीलिए 9 स्कंदों का वेद व्यास जी ने वर्णन किया, वो भगवान के अवतार हैं, उनको सब पता है कि आगे कलयुग आने वाला है, सीधे सीधे भगवान की कथाएं वो नहीं लिख सकते थे। तो इस तरह से कई प्रकार के प्रश्न हमारे मन में इस तरह से आने चाहिए और उनका हमें जो है गुरु मुख से या श्रेष्ठ वैष्णव के मुख से हमें उसका उत्तर पता होने से बहुत ज्यादा उस जैसे बताया ना श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़, भगवान की कथा तो बहुत गूढ़ है, कितनी गूढ़ है। अब हमने श्री रूप गोस्वामी पाद के ग्रंथ श्री भक्ति रसामृत सिंधु से जो श्लोक उन्होंने पहला बताया, आदो श्रद्धा तथा साधु संगोत, तो श्रद्धा सबसे पहली भक्ति की नींव बताई गई कि श्रद्धा ही भक्ति की नींव है, श्रद्धा से चलेगा। अब जो तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखने लगे तो उन्होंने कहा, श्लोक लिखा कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्याम विना ना पश्यंती सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम, कि मैं शंकर और भवानी को नमस्कार करता हूँ। कौन शंकर और कौन हुआ, जो कि श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप है और जिनकी कृपा के बिना, याभ्याम विना ना पश्यंती, जिनकी कृपा के बिना सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम, सिद्ध जन अपने हृदय में अपने अंत्यकरण में बैठे परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते, भगवान तो हृदय में बैठे हैं और श्रद्धा और विश्वास से भगवान के दर्शन हो जाएंगे अपने हृदय में ही। तो श्रद्धा का स्वरूप बताया किनको, देवी को, पार्वती जी को, और विश्वास का स्वरूप बताया तुलसीदास जी ने शंकर जी को। अब ये जो श्रद्धा का स्वरूप है, जो देवी है, अब यही अश्रद्धा करके दिखा रही है। जब प्रभु जी ने कथा सुना इतने कृष्णदास प्रभु जी ने रामनवमी पे कि सती को ही क्या हो गई, शंका हो गई है कि राम जी कौन है, जब वो स्त्री के विरह में दुख पा रहे हैं
यद्यपि तुलसीदास जी मंगलाचरण में क्या लिख रहे हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो, और वही श्रद्धा रूपी देवी जो श्रद्धा की स्वरूप है वही देवी क्या कर रही है, अश्रद्धा कर रही है। तो ये बड़ी गूढ़ कथा है। गूढ़ कथा क्या है, जब तुलसीदास जी वर्णन करने लगे ये कथा, जब राम कथा शुरू करने लगे तो बोलते हैं कि एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि कौन है, कुंभज अर्थात कुंभ मतलब घड़ा, कुंभज अर्थात जिनका घड़े से जन्म हुआ अर्थात अगस्त्य ऋषि। तो कहते एक बार त्रेता युग माही, किसी एक त्रेता युग में, ये तो चलते रहते हैं त्रेता द्वापर सतयुग कलयुग, तो कहते किसी एक त्रेता युग में शंकर जी जो हैं किसके पास गए हैं, अगस्त्य ऋषि के पास गए हैं। अगस्त्य ऋषि कहीं वास करते हैं साउथ इंडिया में, उनके स्थान है। तो कहते एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, और आगे क्या कहते हैं, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। उनके साथ में कौन है, सती है, और उनका नाम कैसे लिया तुलसीदास ने, संग सती जग जननी भवानी, वो जगत की माता भवानी जिनके लिए बोला गया ना, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भवानी विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। क्या बोला गया, जो सृष्टि स्थिति और प्रलय को करने वाली है वो दुर्गा देवी जो गोविंद की इच्छा के बिना कुछ भी कार्य नहीं करती, वही दुर्गा देवी जगत जननी भवानी शंकर जी के साथ हैं। और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, ऋषि जो हैं अगस्त्य ऋषि, उन्होंने शंकर जी की पूजा की। और आगे कहते हैं राम कथा मुनि वर्ज बखानी, शंकर जी ने प्रश्न किया मुझे राम कथा सुनाओ, तो ऋषि अगस्त्य जी ने उनको पूरी राम कथा सुनाई, सुनी महेश परम सुख मानी। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं, एक एक चौपाई ध्यान से सुनने वाली है, एक एक लाइन वेद का अर्थ है। कहते सुनी महेश परम सुख मानी, मतलब शंकर जी तो सुख से पूरे सुख के साथ सुन रहे हैं, लेकिन सती जो है उनको सुख नहीं हो रहा। अब यहां प्रश्न है कि यहां सती को सुख क्यों नहीं हो रहा, क्यों, आगे क्या बता रहे हैं, ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, ऋषि ने राम जी की भक्ति के विषय में पूछा कि मुझे राम जी की भक्ति के बारे में बताओ, किनसे पूछा, शंकर जी से, जिनको अभी ऋषि ने कथा सुनाई है। तो कहे शंभु अधिकारी पाई, और शंकर जी ने उनको अधिकारी जानकर कि ये राम भक्ति के अधिकारी हैं, भगवान की भक्ति के अधिकारी हैं, शंकर जी ने उनको राम भक्ति का मंत्र दे दिया। कहते सुनत रघुपति गुण गाथा कुछ दिन रहा तहां रहे गिरिनाथा। कहते बहुत दिन ऐसी कथा सुनते सुनाते गिरिनाथ अर्थात शंकर जी और सती जी वहां उनके साथ कुछ दिन रहे, मतलब काफी दिन कथा हुई है ये। और उसके बाद मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, उनसे विदा मांग ली, चले भवन संग दक्ष कुमारी। देखो अब नाम क्या लिया, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब वो क्या है, जगत जननी नहीं रही, अब वो दक्ष कुमारी है। कौन दक्ष, वो दक्ष जो शिवजी का द्रोही है, और शिवद्रोही को कभी तत्व ज्ञान नहीं हो सकता, दक्ष की क्या गति हुई है सारा जगत जानता है। तो कहते चले संग भवन संग दक्ष कुमारी। देखो तुलसीदास जी कितने मर्यादित संत हैं, एक एक चीज हर श्लोक प्रभु जी ने आज बोला था, भागवत में अर्जुन के भगवान ने 16 पता नहीं 20 नाम लिए, हर एक नाम का अर्थ है। यहां पे दक्ष कुमारी क्यों कहा, कि अब वो जगत जननी नहीं है, अब वो दक्ष की कन्या है, जिसने क्या किया, जैसे दक्ष को क्या है, विष्णु भक्ति तो करता है दक्ष, लेकिन शिवजी के प्रति व्यर रख रखा है मन में, तो ऐसा ऐसा दक्ष उसकी गति क्या हुई, बकरे का मुंह लग गया था उसके, तो वही दक्ष की कन्या बन गई। क्यों बन गई, अब इसके पीछे भी एक प्रश्न है, जैसे बताया ना श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, यहां गूढ़ है बहुत। जब यह शंकर जी सती के साथ गए थे तो शंकर जी ने क्या किया था, ऋषि को प्रणाम किया, पहले ऋषि ने प्रणाम किया शंकर जी को अगस्त्य ऋषि ने। अब सती के मन में उसी समय शंका आ गई, क्या शंका आ गई, कि भाई जब ये शंकर जी को तो सारा जगत पूछता है, और ये ऋषि अगस्त्य ऋषि ये क्या कथा सुनाएंगे शंकर जी को, यही यही जब मन में आ गया ना उनके, तो इतने दिन तक कथा सुनने पर भी वो श्रद्धा जो बनी नहीं उनकी, इसीलिए जो इतनी राम कथा सुनने के बाद भी उसी समय जब शंकर जी वहां से चले हैं, तो रास्ते में भगवान का अवतार हो चुका था, सीता जी का विरह में भगवान जो है जा रहे थे, उस समय जब उन्होंने सीते सीते करते देखा, तो सती के मन में क्या हो गया, शंका पैदा हो गई भगवान को देख के। देखो एक गलती करी कि श्रद्धा नष्ट हो गई, जो बात कही ना, तो यह सती जो है श्रद्धा इनकी नष्ट नहीं हुई है यद्यपि, क्यों, क्योंकि माता जो है वो कभी भी उल्टा नहीं चलती। क्या माता कभी उल्टा चलती है, कहते माता बच्चे को सीधा चलाने के लिए कभी कभी उल्टा चलती है, जब बच्चा चलना सीखना लगता है ना तो माता उल्टा चलती है, खिलौना ऐसे घुमा देती है उसको, बच्चा उठा तो माता पीछे पीछे जाती है, बच्चा आगे आगे आता है। अब कोई कहे माता को चलना ही नहीं आता, नहीं माता को तो चलना आता है, लेकिन बच्चे को सीधा चलाने के लिए माता उल्टा चलती है, क्योंकि वो श्रद्धा का रूप को पता है, ये श्रद्धा इनकी नष्ट, श्रद्धा सबसे पहली बात है,
भक्ति में श्रद्धा जिसकी नष्ट हो गई उसका कुछ नहीं हो सकता। भगवान ने कहा संशय आत्मा विनश्यति, और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होगा वही सब प्राप्त कर लेगा। तो यही होता है हमारा, गुरु वैष्णव के निकट बैठ के कथा सुनेंगे लेकिन श्रद्धा है नहीं, इसीलिए कभी इधर देखेंगे कभी उधर देखेंगे, ग्रंथ में प्रवेश नहीं है, कोई मन में प्रश्न आता नहीं है, इसीलिए क्या होगा कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाते। इसीलिए बोला गया है कि अगर मान लो कोई प्रश्न है आगे या पीछे या बीच में ही पूछ लेना चाहिए। अब क्या हुआ उसके बाद तो सबको कथा पता है, सती ने प्रश्न किया, आप शंकर जी ने जब देखा राम जी को ऐसे तो उन्होंने कहा जय सच्चिदानंद कर रामा, उनको जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया। तो सती पूछती है प्रभु आपने जिसको भी सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया वो तो कि स्त्री के वियोग में दुखी हो रहा है एक मनुष्य है आप उसको, तो उन्होंने कहा अरे ये तो राम है जिनकी कथा अभी अगस्त्य ऋषि ने सुनाई थी, क्या तुम भूल गई? सती को ऐसे पूछते हैं शंकर। लेकिन सती क्या है अब उनके मन में शंका आ गई, फिर भी उनके मन को चेत नहीं हो रहा। तो शंकर जी कहते हैं अगर तुम्हें अभी भी कुछ शंका है तो तुम जाकर परीक्षा ले लो। तो सती जी सीता जी का वेश धारण करके राम जी के सन्मुख चली जाती हैं, वो कथा सबको पता है। फिर क्या होता है राम जी उनको प्रणाम करते हैं, पूछते हैं शंभू कहाँ है, और इस तरह से माता कहकर संबोधन करते हैं। और फिर जब वो वापिस आती हैं शंकर जी जब पूछते हैं तब दूसरी गलती करी, क्या करी? शंकर जी पूछते हैं तुमने जाकर परीक्षा ले ली? तो क्या बोलती है नाथ मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो आप ही की भांति प्रणाम किया, क्योंकि वो डर गई थी बहुत ज्यादा। लेकिन इसमें भी एक गुड़ कथा है, वो जब सती ने ऐसे बोला ना तभी शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया, उसी समय शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया कि इन्होंने सीता का रूप धारण कर लिया, वो तो मेरी माँ स्वरूप है। अब और शंकर जी ने उनको सामने बैठने के लिए आसन दिया, गुरु और जो है माता पिता उनके सामने आसन दिया जाता है, अपने साथ में आसन नहीं दिया। तो इस तरह से यहाँ पे फिर क्या हुआ सती का त्याग हो गया, और उस समय आकाशवाणी हुई कि हे शंभु आपके बिना और ऐसे प्रेम को कौन निभा सकता है रघुपति के प्रेम को। तो सती जी समझ जाती हैं मनी मन कि शंकर जी ने मेरा त्याग कर दिया है। और यहाँ पे एक बहुत सुंदर सोरठा लिखते हैं तुलसीदास जी, जल पय सरस बिकाई देख ही प्रीति की रीति भली, कि देखो कैसी प्रीति की रीति है, दूध भी पानी जो है वो दूध के भाव बिक जाएगा। कैसे? 1 किलो दूध लिया उसे थोड़ा सा पानी मिला दिया आधा गिलास, अब आधा गिलास पानी मिलाने के बाद जो दूध 1 किलो हो गया तैयार मान लो, तो वो पानी जो है दूध के भाव बिकेगा कि नहीं बिकेगा? वो कौन सा बोलने लगा है भाई पानी दूध में मिला हुआ है। तो जल पय सरस बकाई, जल पय, जल पय होता है दूध, जल होता है पानी, तो जल पय सरस बिकाई दूध भी पानी भी दूध के भाव बिक जाएगा। देखिए प्रीति की रीति बली, कहते बहुत अच्छी प्रीति की रीति है लेकिन कहते उसमें खट्टाई डाल दो। तुलसीदास जी कहते कपट रूपी खट्टाई डलते ही क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा पानी, अलग हो जाएगा दूध का हिस्सा जो पनीर बन के अलग हो जाएगा। तो इसी तरह से बिलग होई रस जाई कपट खटाई परत पुनी, क्या बोल रहे हैं कि स्वाद भी जाता रहेगा दूध नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम गुरु वैष्णव के सामने गलती करने के बाद भी आके झूठ बोलते हैं कपट करते हैं तो क्या होता है सारा कुछ ही नष्ट हो जाता है, जितनी सुकृतियां अर्जित की वो भी नष्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए इसकी छोटी सी कथा आती है कि जब दशरथ जी ने शब्द वेदीवान मारा था, किनको किनको मारा था शब्द वेदीवान, श्रवण कुमार को, श्रवण कुमार अपने माता पिता अंधक ऋषि जो थे उनको क्या कराने जा रहे थे, तीर्थ तीर्थाटन कराने जा रहे थे, उनके माता पिता को प्यास लगी, वो जब पानी लेने के लिए गए किसी उसमें पानी भर रहे थे तो पानी की आवाज आती है ना जैसे, तो दशरथ जी महाराज बहुत दूर खड़े थे, उनको लगा वो शिकार खेलने के लिए गए हुए थे, राजाओं को शिकार खेलना पड़ता है, तो जब वो शिकार खेलने के लिए गए हुए थे तो उनको आवाज आई, तो उन्होंने शब्द वेदी बाण चला दिया। शब्द वेदी बाण क्या करता है, जहां से आवाज आती है वहीं जाके लगता है, वो जाके श्रवण कुमार को लगा, जब उसने चिल्लाए उनको पता चला रहा ये तो मुझे किसी जो है मनुष्य को लग गया, तब श्रवण कुमार अपने अंतिम सांसें ले रहे थे जब दशरथ जी महाराज उनके पास गए हैं, जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा मेरे माता पिता अंधे हैं वो प्यास से व्याकुल है, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि आप ये जल है जो उनको पिला दो। अब दशरथ जी महाराज कांप गए, जब उनके माता पिता जो अंधे व्यक्ति होते हैं उनको ना दूर से आहट से पता चल जाता है कौन आ रहा है, जब दशरथ जी महाराज गए तो वो बोले नहीं कुछ, जाके पानी उनको बोलते पानी पी लो, तो वो कहते नहीं पहले ये बताओ हमारा पुत्र कहाँ है। जब दशरथ जी महाराज जी को ये पूछा अंधक ऋषि ने तो दशरथ जी महाराज ने क्या बताया, झूठ नहीं बोला, क्या बोले महाराज हे ऋषिवर मुझसे गलती हो गई, मैंने शब्द वेदीवान अनजाने में चला दिया जिससे वो आपके पुत्र को लग गया, मैंने सोचा कोई हिंसक जानवर पानी पी रहा है, इस तरह से मेरे द्वारा आपके पुत्र की हत्या हो गई है। तो वहां पे
अंधक ऋषि दशरथ जी महाराज जी को कहते हैं कि हे दशरथ, अगर तुम इस समय झूठ बोल देते तो इसी समय तुम्हारे सर के 10,000 टुकड़े हो जाते इसी समय। और अब हम अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकते, हम भी अपने प्राण त्याग कर देंगे, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भी पुत्र के वियोग में मरोगे। तो यह श्राप नहीं था, एक तरह का वरदान था, क्योंकि दशरथ जी महाराज जी की कोई संतान ही नहीं थी, बहुत देर हो गई थी, उनके कोई भी संतान नहीं हो रही थी। अंधक ऋषि ने श्राप दिया कि तुम पुत्र के वियोग में मरोगे, कम से कम पुत्र का तो हुआ कि पुत्र तो आएगा कोई, और पुत्र भी कौन आए, भगवान आए, क्योंकि उन्होंने सच बोला, सच में इतनी शक्ति है। इसीलिए सत्य का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, अगर कोई गलती भी हो जाए तो वो गुरु वैष्णव के पास जाके उसको एज इट इज बता देना चाहिए। नहीं तो इस स्थान पे रह के अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है, तो उसका तो भैया और कहीं तो कल्याण हो जाएगा, यहां तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, हाई कोर्ट है, इसके ऊपर कोई और है नहीं कुछ, और यहां पे सब समाधान भी है। तो इसीलिए गुरु जब हमारा हरिनाम चिंतामणि का यहां पे पाठ हुआ था, तो वहां पे एक एक अपराध का विस्तृत वर्णन है, जितने भी नाम अपराध हैं उसका एक एक अपराध का विस्तृत रूप से वर्णन है। तो सब जब अपराधों का वर्णन हम सुनते थे प्रभु जी के मुखारविंद से हरिनाम चिंतामणि, जिसमें शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर श्रीमन महाप्रभु का वार्तालाप है उसमें, तो महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी से प्रश्न करते हैं कि आप नाम की महिमा बताइए, तब हरिदास ठाकुर नाम की महिमा बताते हैं, उस समय नाम अपराध की भी चर्चा हुई। तो एक एक नाम अपराध का विस्तृत वर्णन है, और एक एक नाम अपराध से बचने का क्या तरीका है, अगर अपराध हो जाए तो उसको कैसे उसका निवारण करना है। तो मैक्सिमम जो वो वही यही है कि जाके क्या करो, उसको क्षमा मांग लो, उसका निवारण कर लो, नहीं तो वो अपराध कभी नष्ट नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होगा, कितने जन्मों तक जाएगा, मतलब लोक भी बिगाड़ेगा और परलोक भी बिगाड़ेगा। इसीलिए हम लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। बहुत अच्छा सौभाग्य हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को मिल रही है, लेकिन इस कथा को कैसे सुनना है, हमें परम श्रद्धावान होकर, परम श्रद्धावान, इतनी श्रद्धा से युक्त होकर सुनना है कि बस जैसे एक एक शब्द तब हमारे जो है हृदय में जाएगा, उतरेगा, तब जाके हमें समझ में आएगा। और जितनी भी टीकाएं हमें, ऐसी टीकाएं हमें मिल नहीं सकती जो हमें महाराज जी बता रहे हैं। हम तो घर पे अभी हर्ष प्रभु नोट्स बना रहे हैं, बहुत कृपा है, तब हमें कितना कुछ समझ आने को, नहीं तो कभी पता ही नहीं चलता शायद इतना कुछ। तो बहुत सौभाग्य है, अभी मैं महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ, वो आगे बताएंगे, हमें कथा श्रवण कराएंगे। वांछा कर्तृभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च कर्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ट्रांसलेशन अलग बात है, कथा बोलना अलग बात है। अरे बाबा रे, तो करंट मार रहे, मैं थोड़ा कुंती स्तुति पे बोल दूं, कुंती स्तुति पे बोल दूं थोड़ा, कुंती स्तुति। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म त्रिला प्रविष्ट हूँ, विष्णुपाद अष्टोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात परम पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ, और पूज्यपाद परमेश्वरी प्रभु जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ, उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवों के चरण कमलों में यथायोग्य दंडवत प्रणाम। हम लोग शिला महाराज जी से श्रीमद् भागवतम की महिमा का श्रवण कर रहे हैं, और अंग्रेजी में, सो वी आर हियरिंग श्रीमद् भागवतम फ्रॉम शिला महाराज। महाराज जी हैज बीन एक्सप्लेनिंग इन डिटेल अबाउट श्रीमद् भागवतम। So we have reached up to the first canto's 8th chapter already. So a couple of days back, Maharaji spoke the glories of the Kunti Maharani, that how she spoke the glories of Lord Krishna, how she is doing the stuti of Lord Krishna. So in the first shloka, when actually why this happened, when Ashwathama attacked on Uttara and to kill the son of Arjun, Parikshit Maharaj. So at that time, Krishna protected
Parikshit Maharaj. By entering into the womb of Uttara, he protected. So in this way, Kunti, when after doing this, actually Shri Krishna, he wanted to leave back to Dwarika. So at that time, Kunti Devi, she spoke, she did stuti of Lord Krishna, and in the first sloka, she said, Namaste Purusham Tva Adhya Anishwaram Prakrite Param Alaksham Sarva Bhut Nam Antar Bahir Avasthitam. That I am offering pranam to that Supreme Personality of Godhead who is situated outside as well as inside. How that he entered in the womb of Uttara, so he is present inside. And also in the Gita, Bhagwan says, Sarva Bhuteshu Yapash. Nahi. Kya tha? Ishware Sarva Bhutanam Hirdeshe Arjun Tishthati. That he, Arjun, that I am situated in everyone's heart as a form of super soul. So here Kunti Devi is also saying the same thing, that you are situated in everyone's heart and you are also situated outside. And here Kunti Devi is saying Purush, that you are Purush. So Maharaji told that in the commentary, the Acharyas have told, Vishnu Chakravarti Pad has told that Ishwar, this Ishwar and Purush word can be used for the demigods or for the king as well. So how can we say that this word has been used for Krishna specifically? So here Vishnu Chakravarti Pad says that Kunti Devi is also using one another word, Prakrite Param, that you are a Purush, you are an Ishwar who is beyond this materialistic world. So we know that the demigods and the kings of this materialistic world, they all fall under this materialistic world. And moreover, we can understand, we heard in the another commentary also from the Maharaji's lotus mouth, that when Devaki was pregnant and Lord Krishna came in the womb of Devaki, at that time all the demigods came, all the 33 crore demigods, they came to offer worship to Lord Krishna in the womb of Devaki. So when all the demigods are already offering pranam and doing stuti to Lord Krishna, so Krishna should be the Supreme Personality of Godhead who has been worshipped here by Kunti. So this is the first sloka which speaks about the Supreme Personality of Godhead Krishna. Then she is speaking a very beautiful sloka. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gop Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Maharaji has explained very beautifully each word of this sloka in two ways. First is the general meaning of shloka, though the general meaning of shloka also establish Nandanandan Shri Krishna, but there is also Vishnu Chakravarti Pad also has written a specific commentary on this shloka which establishes Lord Krishna in Braj. So first, what is the general meaning? Krishnaya. Maharaji told that Krishnaya means that those devotees of Lord Krishna are so fortunate because they are worshipping Lord Krishna. Why? Because he is Ete Chansh Kala Punsa Krishnastu Bhagwan Swayam. That he is the Supreme Personality. He is the source of all the incarnations. So all the devotees, because there are various type of people. Some would worship demigods. Some would worship various of ghosts or their ancestors in this world. But here, Krishnaya, the devotees of the Lord are very fortunate because they are directly worshipping the Supreme Personality. And then who is even more fortunate than all those general devotees? Vasudevaya, the father of Lord Krishna, because Lord Krishna has accepted Vasudev as his father. So he is even more fortunate. Then Devaki Nandanaya, that even then Vasudev, who is more fortunate? Devaki. Because Devaki got the fortune to become the mother of Lord Krishna. And then even who is more fortunate? Nanda Gop Kumaraya. That the Nanda Gop, Sri Nanda Baba, is even more fortunate who got the fortune to take care of Lord Krishna and see his childhood, beautiful childhood pastimes. So he is even more fortunate because he was able to relish the Vatsalya Ras of Krishna. Though Vasudev, he was the father, but he could not relish the Vatsalya Ras.
So because of this point, Nand Gop, see Nand Baba is more fortunate. Then comes Govindaya. Govind means the Lord of senses. Here Maharaji told that even the Braj Gopis are more fortunate because Krishna, who gives the pleasure to all the senses. So Krishna has given the pleasure to all the Brajvasis, all the senses of the Brajvasis, and specifically to the Braj Gopis, and then more specifically to Srimati Radhika. So he gives pleasure to all the senses of Srimati Radhika. So that is why Srimati Radhika is even more fortunate. So this was the general meaning that Maharaji told about this shloka. Then Sri Vishwa Chakravarti Pad, he establishes Brajendra Nandan by this shloka. He says that why the word Vasudevaya has been used, because there were eight Vasus, and out of eight Vasus, one prominent Vasu, he did worship of the Lord to become the father of the Lord. So when Nand Baba has taken incarnation in the Dwapar Yug, he also came and entered into the Nand Baba to relish the Vatsalya Ras of Krishna. So that is why Vasudevaya. And then Devaki Nandanaya. So Maharaji told that Devaki is the name of Yashoda also. Do Namani Yashodayam. That Yashoda is known with the two names Devaki and Yashoda. Then Nand Gop Kumaraya. Then Nand Gop means Nand Baba. So Nandastu Atmach Utpanne Jat Alad Mahatmana. That Nand Baba is the real father of Krishna. That is why he is even more fortunate. Then comes Govindaya. Again, that who gives pleasure to Srimati Radhika. So in this way, this shloka is specifically the stuti of Brajendra Nandan Shri Krishna. Then in the next shloka, Kunti Devi is speaking the beautiful body of Krishna, the stuti of the body of Krishna. Namah Pankaj Nabhaya, Namah Pankaj Malini, Namah Pankaj Netraya, Namaste Pankaj Angreya. Maharaji told that there are eight lotuses in Lord Krishna's body. Two eyes, two feet, two hands, and one face and one navel. So all these are the like lotus. Why like lotus? Because lotus has got specific qualities. One is that lotus is very beautiful. In the same way, here Krishna is compared with the lotus. Krishna is also beautiful just like lotus. And also lotus has two more qualities, that it is fragrant and it is very soft. In the same way, Krishna, his every body part, it is so fragrant as well as very soft. And specifically Maharaji told that Pankaj Netraya. Why Pankaj Netraya? Because as the lotus gives coolness to our eyes, when we see the lotus, we feel nice, we feel cool. So in the same way, when someone look at the eyes of Krishna, it gives coolness to the devotees. So that is why here, all the body parts of Krishna has been compared with the lotus. Because if Maharaji also told that those eyes are only successful who worships Krishna, who sees Krishna, Barahai Naine Naranam Lingani Vishnur Nani Rikshitoye. That those person who never sees Lord Krishna's form in the archa form or in the original form, those all eyes are unsuccessful. So in this way, Kunti Devi is speaking the glories of the body of Krishna. Then after that, Kunti Devi is speaking the mercy of Lord Krishna, that how he has been so merciful to our whole family, that he has saved Bhim from the poison, he has saved the Pandavas when they were in the forest from the Hidimba demon when he was attacking. And then Sat Sabhaya, that in the assembly of assembly of those when they were gambling at that time, so Draupadi was protected. In this way, so Kunti Maharani is telling that how many times he has saved us, even for the Devaki and Vasudev, they were only protected one time when they were released from the jail of Kans. But for Kunti, she is saying that
You have protected us so many times. You have been merciful to us so many times. That is why Kunti Devi is saying, Vipadah santu na shashwat tatra tatra jagat guru bhavto darshanam yat syat apunarbhavam darshanam. That I am asking again and again these kind of problems in my life. So how it is surprising that a devotee is asking again and again so many problems in the life. Why? Because when Kunti Devi is saying, when we are getting problems, every time you are there to save us. But now, as we are all good now and we have conquered the war and we are, Yudhishthir Maharaj is the king, now you are leaving us. So it means that these troubles in our life were more good for us because you were always present with us. So that is why Kunti Devi is saying that we just want those troubles again and again so that you can be present with us. In this way, Kunti Devi has spoken many shlokas. She spoke the shloka from the Braj also, that how Krishna used to steal the butter and how Krishna was about to be tied by the mother when he broke the pot. So in this way, Kunti Devi was so fortunate that even she was able to see the Braj pastimes. So in this way, Kunti Devi spoke very beautiful glories of Lord Krishna. Vancha kalpataru vesh kripa sindhu vesh kalpana parni vesh. हिंदी बोलो बोल अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत परम गुरुदेव वर्ग नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप श्री सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मेरा यथायोग्य प्रणाम। हम महाराज के मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे कुछ दिनों से श्रीमद्भागवतम की कथा। उसके अंतर्गत हमने विशेष रूप में श्रवण किया था वक्ता और श्रोता का चरित्र। जब सुत गोस्वामी से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि ये भागवतीय वार्ता ये अमृत कथा सात सात दिनों के लिए जब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई, तो परीक्षित महाराज वे कौन हैं? वे चक्रवर्ती सम्राट हैं। उस समय पे वे पूरी पृथ्वी के एकमात्र राजा थे। तो इतने व्यस्त यदि किसी साधारण व्यक्ति के पास में कोई छोटा मोटा बिजनेस हो या वो किसी कार्य में व्यस्त रहे तो उससे समय निकालना मुश्किल हो जाता है। तो किस प्रकार परीक्षित महाराज ने चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी सात दिनों तक इस भागवत कथा का श्रवण किया। और सुखदेव गोस्वामी वो कौन है? बोल रहे हैं परिनिष्ठपि नैर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलिया, कि पूर्ण रूप से ब्रह्म में प्रतिष्ठित, मायावाद में प्रतिष्ठित ये ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, इस प्रकार का उनका चरित्र। वो किस प्रकार एक स्थान पर, क्योंकि साधुओं का कैसा चरित्र होता है, एक गोदहन करने में जितना समय लगता है एक साधु उतने ही समय के लिए एक स्थान पर टिकता है। तो क्यों तो इन महापुरुष ने एक स्थान पर रहकर सात सात दिनों तक इस भागवत कथा का वर्णन किया और क्यों परीक्षित महाराज ने चक्रवर्ती सम्राट होने पर भी इस कथा को श्रवण किया? तो इसका उत्तर देते वक्त श्री सुत गोस्वामी ने श्री परीक्षित महाराज और श्री व्यास श्री सुखदेव गोस्वामी दोनों के चरित्र का बता रहे हैं कि जब श्री व्यास देव जी जब उन्होंने सारे शास्त्रों की रचना कर दी, भागवतम की भी रचना कर दी, उसके पश्चात वो विचार कर रहे हैं कि ये भागवत कथा मैं सुनाऊं किसको, क्योंकि उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी वो कौन है? वो 16 साल तक अपनी माँ के गर्भ में विराजमान रहे और पूर्ण रूप से ब्रह्म में प्रतिष्ठित। जब उनके पिताजी ने प्रार्थना करी कि पुत्र तुम कौन हो, क्योंकि 16 साल तक यदि संतान गर्भ में रहे तो वो कोई साधारण तो होगा नहीं, व्यासदेव ने भी स्वयं प्रार्थना करी कि पुत्र तुम बाहर आओ,
बाहर आने पर अंदर से ही गर्भ से ही सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं कि मैं बाहर नहीं आना चाहता, मैं यहाँ पर भजन हूँ या मैं यहाँ पर ठीक हूँ। क्यों? क्योंकि यह स्थान मेरे लिए भजन के लिए बड़ा अनुकूल है। जिस स्थान पर रहकर भजन ठीक से हो जाए वो ही स्थान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो सुखदेव गोस्वामी गर्भ से ही कहते हैं कि मैं बाहर नहीं आना चाहता। क्यों? क्योंकि बाहर आते ही माया ग्रास कर लेगी। तब व्यासदेव जी कहते हैं कि मैं माया को हटा देता हूँ, तुम बाहर आओ, क्यों माँ को कष्ट देते हो? सुखदेव गोस्वामी गर्भ से कहते हैं कि आप खुद माया से प्रभावित हैं, आपको भी स्त्री का मोह हो रहा है, आपको भी अपनी स्त्री पीड़ा में, स्त्री कष्ट में है, उसको देखकर आप भी तो मायाबद्ध हैं, इसलिए आप माया को नहीं हटा सकते। हाँ, लेकिन किंतु भगवान कृष्ण यदि आकर यहाँ पर माया को हटा दे तो फिर मैं बाहर आ जाऊंगा। उस समय पर भगवान कृष्ण स्वयं वहां प्रकट हुए और एक तलवार की नोक पे जितने समय तक सरसों का दाना रहता है उतने कम समय के लिए उन्होंने क्या किया, माया के आवरण को हटाया। सुखदेव गोस्वामी 16 साल के बालक के रूप में वहां पर प्रकट हुए और वहां से वन की ओर गमन कर रहे हैं। यम प्रभुजंत मनुपेतम अपेत प्रत्य द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रैति तन्मया तया तर्वो अभिनेदो अस्तम तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतो अस्मि। सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि जिनका अभी तक जाति संस्कार भी नहीं हुआ, जिनका यज्ञोपवीत इत्यादि भी नहीं हुआ है, वे उन्होंने क्या किया, माँ के गर्भ से निकलते ही संन्यास लेने के उद्देश्य से वन की ओर भ्रमण कर रहे हैं और पिताजी व्यासदेव उनके पीछे पीछे धावित होकर हा पुत्र करते हुए जगा रहे हैं और वृक्ष भी वहां पर प्रतिध्वनि कर रहे हैं। इस प्रकार के सुखदेव गोस्वामी, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे सुखदेव गोस्वामी जब वे वन में चले गए थे, व्यासदेव जी अभी यहाँ पर चिंता कर रहे हैं कि मैं ये ग्रंथ अगर कोई योग्य है, क्योंकि वे कौन है, संसार से पूर्ण रूप से विरक्त हैं, इसीलिए यदि कोई योग्य है इस भागवत कथा को श्रवण करने के लिए तो एकमात्र सुखदेव गोस्वामी है। इसलिए व्यासदेव ने क्या किया, अपने चार चेलों को बुलाया और उन्हें अलग अलग श्लोक सिखा के और वन में भेज दिया। बोले मेरा एक कोई तोता खो गया है, मैं तुम्हें चार मंत्र सिखाकर भेजता हूँ, चार मंत्र सिखाकर जब तुम ये बोलोगे जो तोता स्वयं अपने पास तुम्हारे पास में आ जाए वही मेरा सुख होगा। जब ये चारों चेले वन में गए हैं तो पहले चेले ने क्या श्लोक बोला, वह भगवान के सुंदर रूप की महिमा बताता है, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, किस प्रकार भगवान कृष्ण का बड़ा सुंदर स्वरूप है, उन्होंने मयूरपुच्छ सर पर धारण कर रखा है, पीताम्बर पहने हुए हैं, त्रिभंग ललित उनका स्वरूप है, गले में वैजंती माला है। भगवान जब गौचारण से के लिए जा रहे हैं दोनों कानों में से किसी एक कान में कनेर पुष्प लगा रखा है और अपने अधरामृत को अपने अधर सुधा से वेणु के अंदर वादन कर रहे हैं, वेणु वादन करते हुए बड़ी सुंदर मुरली की ध्वनि हो रही है। इस प्रकार जब भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया, सुखदेव गोस्वामी ने जैसे ये श्लोक सुना वे बड़े आकर्षित हो गए, आकर्षित होके और उनके पास में आ गए। बोलते हैं भैया तुमने ये श्लोक कहाँ से सुना? बोले हमें हमारे गुरुजी ने सिखाया और उन्होंने कहा था कि जो तोता स्वयं तुम्हारे प्रति आकर्षित होकर आ जाए वो ही मेरा तोता होगा। तो बोले भैया वह ही वो तोता हूँ और तुमने ये जो वर्णन करी है, ये जो भगवान के रूप का वर्णन किया है, इनके बारे में कुछ और जरा बताओ। जैसे उदाहरण के माध्यम से बता रहे थे गुरुदेव, कोई यदि किसी स्त्री किसी लड़की के लिए कोई उपयुक्त वर देखने के लिए जाए तो क्या देखता है, पहले दिखने में कैसा है, उसका सुंदर स्वरूप है कि नहीं, पर्सनैलिटी अच्छी है कि नहीं। तो वही देखते हुए उन्होंने क्या किया, भगवान का सुंदर स्वरूप का वर्णन किया पहले, बाद में बता रहे हैं उनका नाम क्या है, परिवार में कौन कौन है। तब दूसरे चेले ने दूसरा श्लोक कह दिया, क्या, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, कि नाम क्या है, नाम है कृष्ण, कृष्ण अर्थात सर्व आकर्षित, क्री अर्थात सबको जो आकर्षण करे और स्न अर्थात आनंद प्रदान करे। बोले नाम है कृष्ण और क्या है, कृष्णाय वासुदेवाय, उनके पिताजी कौन है, वसुदेव, देव की नंद यशोदा उनके पिताजी हैं। बोले भैया ठीक है, परिवार भी बड़ा अच्छा है। अभी बता रहे हैं कि उनका घर बार जहाँ रहते कहाँ है उसके विषय में बताओ। तब तीसरे चेले ने तीसरे श्लोक को कह दिया, जयति तेदिकम जन्मना ब्रज श्रयते इंद्रिया शश्वदत्र ही, कि कह रहे हैं वे साधारण स्थान पर विराजमान नहीं है, कहाँ है, जयति तेदिकम जन्मना ब्रज, ब्रज साधारण नहीं है, क्या है, गुणातीतम परम ब्रह्मम व्यापकम ब्रज उच्चते, कि ब्रज कौन है, जहां पर गुणातीत भगवान कृष्ण वहां पर विराजमान करते हैं और ब्रज की कैसी महिमा है, लक्ष्मी श्रिये, क्या, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमाना,
कि वहां पर एक लक्ष्मी नहीं, सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मियां वहां पर सेवा कर रही है। वहां की धूल साधारण नहीं, चिंतामणि प्रकर सदमशु, वहां की धूल क्या है, चिंतामणि है। वहां के वृक्ष क्या, कल्प वृक्ष है। इसीलिए जहां पर लक्ष्मी साक्षात नृत्य करती है, जहां पर सेवा में नियुक्त है, ऐसे ब्रज का, ऐसा उसके साधारण परिवार नहीं, साधारण स्थान पर भी उनका जन्म नहीं, उनका घर भी बड़ा ही ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। जब ये सारे गुण सुने तब वे सुखदेव गोस्वामी बड़े आकर्षित हुए। आकर्षित होके अभी प्रश्न कर रहे हैं, देखो कि मैं अभी एक जगह नौकरी कर रहा हूं, मैं अभी ब्रह्म का ध्यान कर रहा हूं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो मैं ब्रह्म की उपासना छोड़ के तुम्हारे भगवान के पास में आऊं और तुम्हारे भगवान मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं, उनके गुण के विषय में भी कुछ वर्णन कर दो। तब चौथा चेला अंतिम श्लोक का वर्णन करते हुए कहता है, अहो बकियम स्तन कालकूटम जिंगा सया पायद अप्य साध्वी लेवे दतितम गात्री धात्री उचितम किम्वा दयालु शरणम ब्रजेमा, कि ऐसा दयालु, ऐसा भक्तवत्सल कौन होगा जो अहो बकियम आश्चर्य से कह रहे हैं कि हे, ऐसा आश्चर्य की बात है कि बकियम जो बकासुर की बहन पूतना, वो कृष्ण को मारने के उद्देश्य से अपने स्तन में कालकूट विष लेकर आई थी, किस लिए, उसको मारने के लिए, लेकिन जो इस गलत भावना से आई है उसको भी भगवान ने क्या किया, लेबे दतितम गात्री उचितम, कि उसको धात्री की, धात्री उचित, धात्री की समान उसको गति प्रदान कर दी। किम्बा दयालु शरणम ब्रजेमा, ऐसा दयालु भला कोई होगा, ऐसा दयालु कोई नहीं होगा। जब सुखदेव गोस्वामी ने ये बात सुनी, दोनों हाथ उठा करके किम्बा दयालु शरणम ब्रजेमा, किम्बा दयालु शरणम ब्रजेमा ऐसे कहकर चित्कार करते करते और उनके पीछे पीछे धावित हो गए। इसलिए कह रहे हैं जो सुखदेव गोस्वामी, वो जब कृष्ण के ऐसे रूप की महिमा सुनी तो वो स्वयं उपस्थित हो गए श्री भागवतम को श्रवण करने के लिए। तब व्यासदेव जी ने यही उनको श्रवण करवाया। इसलिए कह रहे हैं ये सुखदेव गोस्वामी जो वक्ता है, ये वक्ता कोई साधारण नहीं है। कहते हैं ना, प्रिया शुक्रश्री वृषभानुजाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबने न एकांत कनज ने रहस्य पाठी निकुंज प्रसादे सदा निवासी, कि ये कोई साधारण सुख नहीं है, ये प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया, ये श्रीमती राधा रानी के प्रिय सुख हैं। कभी वर्णन आता है कि श्रीमती राधा रानी ये वही सुख है जिसको श्रीमती राधा रानी बड़े प्यार से अपने हाथों पर बिठाकर उसे कृष्ण नाम पढ़ाती थी, उसे अनार के दाना खिलाती थी, और कभी कभी उसे कृष्ण स्वरूप मान के उसे चुंबन करती थी। जब राधा रानी स्वयं उस तोते को चुंबन करती थी तब राधा रानी का अधरामृत उस तोते की ठोट में लगा हुआ है, इसलिए जब उनके मुखारविंद से श्रीमद् भागवतम निकली है तो ये बड़ी ही मधुर हुई है। अभी ये तोता जिसको श्रीमती राधा रानी इतना प्रेम करती थी, कभी क्या हुआ, ये उड़ते उड़ते चला गया नंदगांव में। जब नंदगांव में ये चला गया तो ये उसने क्या किया, वहां पर बैठे बैठे और राधा रानी की गुण महिमा का गान कर रहा था। जब नंदगांव में श्रीमती राधा रानी का गुणगांव, नंदगांव किसका है, कृष्ण का, और वहां पर कोई राधे राधे यदि बोले तो कृष्ण को कितना प्यारा लगेगा। कृष्ण ने जैसे ही इस शुक के मुख से ये सारी बातें सुनी, उसने उस शुक को अनार का दाने के लोभ से अपने पास में बुला लिया और उससे बोला, बोले तुम क्या बोल रहे थे बताओ, तब उसने राधा रानी की महिमा गान करने लग गया, राधे राधे बोलने लगा। तो कृष्ण ने क्या किया, उसी पक्षी को अपने पास में रख लिया, उसके लिए एक सुंदर स्वर्ण पिंजरा बना के उसको उसमें रखने लगे। इस तरफ राधा रानी चिंतित हो रही कि मेरा एक सुख पक्षी वो खो गया है। तभी राधा रानी ने जब पता लगवाया, ललिता आदि सखियों को भेजा, तो उन्हें पता चला कि एक तोता कहाँ पर है, कृष्ण के पास में है। सारी सखियां आई कृष्ण के पास में, बोले कृष्ण तुम हमारी सखी का तोता दे दो, ये पक्षी, ये सुख पक्षी, ये हमारी राधा रानी का है, तुम इसे लौटा दो। बोले यदि तुम्हारी सखी का है तुम ले जाओ, तुम्हारे बुलाने से यदि तुम्हारे पास में आ जाएगा तो ले जाओ। अभी यदि कोई कृष्ण का आश्रय ले रहा हो, जिसको एक बार कृष्ण ने शरण दे दियो, वो क्या उसे छोड़ के जाएगा, वो तो कृष्ण को छोड़ेगा नहीं। तो ये सुख पक्षी भी इसी प्रकार राधा रानी ललिता आदि सखियों के पास में गया नहीं, कृष्ण ने वहां से सभी सखियों को भगा दिया। बाद में ये सखियां गई श्रीमती यशोदा के पास में, मैया यशोदा के पास में जाके जब नालिश, जब शिकायत करी, तब उन्होंने, मैया यशोदा ने कहा कि तुम जाओ मैं इसे छोड़ दूंगी। जब कृष्ण गौचारण के लिए गए थे, जा रहे हैं, तब भी ये सुख पक्षी को अपने साथ में लेकर कंधे पर बिठाकर ले जा रहे हैं। तब मैया यशोदा ने उनको क्या कहा, बोले तुम इस सुख पक्षी को यहीं छोड़ जाओ जंगल में, इसको ले जाना ठीक नहीं। तभी सुख पक्षी पीछे से यहीं रहा, बाद में मैया यशोदा ने सखियों को ये तोता वापस किया। इसलिए बता रहे हैं, गाढ़ा अनुराग भर निर्भर भंगुराया कृष्णेति पाठ मधुरम मृदु पाठयन्ते, कि ये कौन है, ये सुख पक्षी, ये राधा रानी का प्रेम स्वरूप ही है, किंतु
धिम्मा मदंद मदि चंचल जाति दोषा, कि अपने चंचल जाति दोष के कारण इधर उधर भ्रमण करने के कारण क्या हुआ, ये राधा रानी से बिछुड़ के और कृष्ण के यहाँ आ गया था। इसलिए वह बोल रहे हैं कि ऐसे आत्माराम आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे, कि ऐसे आत्माराम संत ऐसे निर्गुण में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित सुखदेव गोस्वामी ने भी आकर क्या किया, श्रीमद् भागवतम की कथा को वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी के समक्ष। हमने श्रोता का जो वक्ता है उसके विषय में सुना और मैं अपना वक्तव्य यही रखता हूँ। वांछा कल्पतरुवश्य के पासंदेव से भजनाम पावन दुर्वश्य। हरे ओम ज्ञानतिमिरामधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै स्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोतर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोतर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतगल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री पितामह भीष्म अभी सरसज्जा में लेटे हुए और भगवान ने सामने खड़े हुए, बोले हे प्रभु मेरी अंतिम यही इच्छा है आपको दर्शन करते करते आपका नाम लेते लेते आपका चरण कमलों को हृदय में धारण करते हुए मैं ये अंतिम श्वास को त्याग करना चाहता हूँ। और गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे पितामह भीष्म कृष्ण को बोले हे प्रभु मेरी एक अंतिम इच्छा है विजय सखी सखे रत्ति मस्तु में अनवद्या। हम लोग इसी विषय पर श्रवण कर रहे थे मेरी जो रति है किसको प्रति रति हो, बोले विजय सखे मतलब अर्जुन का जो सखा है उसको प्रति मेरी मति हो। इसी विषय पर क्यों अर्जुन का सखा प्रति मेरी मति हो, कल हम इसी विषय के ऊपर में बहुत बहुत कथा श्रवण कर रहे थे। क्योंकि कृष्ण अर्जुन के लिए जितने बसीभूत हो गए उनकी प्रेम में बसीभूत हो करके कैसे वो सारथी बन गए। और एक समय क्या हुआ श्री पितामह भीष्म ने उन्होंने भी कभी उन्होंने प्रतिज्ञा की है क्या प्रति उन्होंने प्रतिज्ञा ये की जब दुर्योधन ने खूब खारी खोटी सुनाई, बोले लगता है आप हमारे पक्ष में तो हो लेकिन केवल हमारी पक्ष में हो लेकिन आप पांडव का पक्ष में होकर युद्ध कर रहे हो इसलिए बेकार आपको हमने सेनापति पद में नियुक्त की। इतने में पितामह भीष्म बोले ठीक है काम करना, कल बोले दुर्योधन कल तुम्हारी पत्नी जो भानुमती को मैं जब सवेरे भजन करते हुए जब उठता हूँ उसी समय मैं जिसको जो आशीर्वाद देता हूँ वो आशीर्वाद फलीभूत हो जाता है। एक काम करना कल सवेरे सवेरे भानुमती को एकदम लेकर के आ जाना फिर मैं उसे आशीर्वाद दे दूंगा अखंड सौभाग्यवती भव। बोले तुम अखंड सौभाग्यवती बनेगा, एक स्त्री कब अखंड सौभाग्यवती बनेगा जब उसका पति जिंदा हो, पति अगर मर गया तो अखंड सौभाग्य खत्म हो गया। बस तेरे को आशीर्वाद दे दूंगा दुर्योधन भरेगा नहीं, कृष्ण तो सर्वअंतर जामी सब जानते हैं। बोले अभी क्या होगा अभी क्या होगा, इतने में कृष्ण ने क्या किया इतने जोर से उन्होंने इंद्र को बोले इतने जोर से बारिश बरसाओ जैसे घर से कोई बाहर नहीं निकल सके, इतने तेजी से बारिश करो। और इतने तेजी से बारिश आ गया
दुर्योधन ने सोचा अभी कैसे मैं ले करके भानुमती के जाऊँ, ये तो इतना तेज से बारिश हो रहे हैं, अरे घर की बात आज नहीं हो तो कल चला जाऊँगा। इतने में कृष्ण आए, बोले द्रौपदी जल्दी जल्दी चलो, बोले प्रभु बारिश हो रही, बोले बात मत करो तुम मेरे साथ में चलो, एकदम बात मत क्या करो, बोले कहाँ, बोले आ करके मेरे रथ में बैठो। तब उनको रथ में बैठा दिया, बोले बैठा करके पितामह भीष्म को शिविर के पास में गए और कृष्ण स्वयं द्रौपदी का जूती को अपने बगले में दबा दिया, क्योंकि जूती से पता चल जाता है ये कौन व्यक्ति है, हैं, बोले जूती को उतार दो, जूती को उतार दिए, बोले अपना घूंघट को और सा नीचे कर लो, नीचे करके पितामह भीष्म को तुम प्रणाम करना, हैं, जब पितामह भीष्म भजन करके उठेंगे प्रणाम करना और तुम्हें ये आशीर्वाद देंगे अखंड सौभाग्यवती भव, जब ये आशीर्वाद दे देंगे ना तब घूंघट को उतारेंगे। बस द्रौपदी ने एकदम द्रौपदी ने ठीक वैसे की, जब उन्होंने आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्यवती भव, इतने में द्रौपदी बोली प्रभु आप मेरे को बोला अखंड सौभाग्यवती भव, मैं अखंड सौभाग्यवती कब बनूंगा, जब मेरे पति जिंदा रहेंगे ना, जिंदा नहीं रहेंगे तो मैं अखंड सौभाग्यवती कैसे हूँ। बोले तू कहाँ से आ गई, बोले तू कहाँ से आ गई, अरे तो मैंने भानुमती को बोला था, दुर्योधन को भानुमती को लेकर के आने के लिए, तू कहाँ से आ गई, बोले तेरे साथ में कौन है, बोलो वही नटखट है, वही नटखट कन्ही आए, बोले तो मैं यही तो सोच रहा हूँ किसको पता था मैं भानुमती को आशीर्वाद दूंगा, किसको किसको पता ही नहीं था, हैं, इसलिए बोले देखो बेटी उसके इच्छा के बगैर एक पता नहीं हिलता है, इसलिए उसके इच्छा के बगैर कुछ होने वाले नहीं, तो अखंड सौभाग्य वक्त तुम बनी रहोगे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बोले विजय सखे, बोले आप अर्जुन के लिए आप उनका प्रेम में इतने बसीभूत होकर के, उनके लिए जो किया है ना प्रेम में बसीभूत होकर के, इतना कोई कुछ कर नहीं सकता। इसलिए हे प्रभु जो अर्जुन का जो सखा मतलब कृष्ण उनके चरण में मेरी मति हो। जब उन्होंने ये बताए, हम गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे, कल श्रवण भी और एक बात श्रवण कर रहे थे, जिस समय अर्जुन और पितामह भीष्म का युद्ध हो रहा था, युद्ध में अर्जुन ऐसे पितामह भीष्म ऐसे अर्जुन के प्रति बाण मार रहा था, केवल अर्जुन का प्रति नहीं कृष्ण के ऊपर में भी उन्होंने बाण चलाया और कृष्ण का सारा शरीर भी क्षत विक्षत हो गया था, हाँ उनका शरीर भी क्षत विक्षत हो गया था। तो यहाँ पर प्रश्न करते हैं बोले भगवान का शरीर को वो एक पितामह भीष्म कौन, बोले द्वादश महाजन में एक महाजन है, हैं एक महाजन है, तो उन्होंने भगवान का शरीर के ऊपर उन्होंने फिर ये बाण कैसे चलाया, भगवान के शरीर से खून से लथपथ हो रहा था, ये कैसे भक्ति है, कहते ये जो भक्ति है, कहते पितामह भीष्म कहते पांच तरह का भक्त है ना, ज्ञानी भक्त शुद्ध भक्त प्रेमी भक्त प्रेमापर और प्रेमातुर, कहते पितामह भीष्म को ज्ञानी भक्तों में गिना गया। ज्ञानी भक्त मतलब ये है वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं, ये भगवान को जो ऐश्वर्य जो बुद्धि में, जैसे प्रहलाद महाराज भी ये ज्ञानी भक्त है, हैं जो सर्वत्र भगवान की अनुभूति जो करते हैं, हैं इसलिए वो ज्ञानी भक्त है। इसलिए ज्ञानी भक्त होने का नाते उनको पता है आत्मा कैसे, न जायते न म्रियते अजो नित्य शाश्वत और नैनम छिंदन्ति शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैन क्लेदयन्त नैन शोचति मारुत, कहते भगवान ये अगर ये आत्मा की यह स्थिति है, अस्त्र से काट नहीं सकते, हवा से सूखेगा नहीं, जल में भीगेगा नहीं, अग्नि से जलेगा नहीं, आत्मा का अगर ऐसी स्थिति तो परमात्मा का क्या स्थिति नहीं होगा, उनको पता है भगवान को कुछ नहीं होता, ज्ञानी भक्त है ना, हैं वो ज्ञानी भक्त है भगवान को जो ऐश्वर्य बुद्धि से जो भजन करते हैं, कहते ये एक कारण है, इसलिए भगवान के प्रति बाण मारने पर उनका कुछ उनको पता उनको कुछ होने वाले नहीं, ये एक दूसरा कारण है। कहते ये कैसे भक्त है, एक उदाहरण दिया जैसे नायिका कभी नायक के प्रति काम में आतुर हो करके अपना नाखून को द्वारा उनका आघात करती है, लेकिन आघात करने पर भी कहते जो नायक को कष्ट नहीं होता है वो आनंद होता है, वो उस कष्ट उसको नायक को आनंद होता है काम में, कहते ठीक उसी तरह यहाँ पर भक्त नायक नायिका कौन है, पितामह भीष्म नायक कृष्ण है, इसलिए उनको प्रति जो बाण मारे विश्वनाथ चौटा कहते जो बाण मारे उनको प्रति
वो यद्यपि दिखता है ख्यत विख्यत है, लेकिन एक तरह का नायक को आनंद देने वाले, ये उनको आनंद देने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भले पितामह भीष्म तो द्वादश महाजन में एक महाजन है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, प्रभु विजय सखे रति मस्तु, बोले अर्जुन का जो सखा कृष्ण उनकी चरण में मेरी मति हो, क्या आप ये स्थापन करना चाहते हो, जगत में जितने भक्ति है और सर्वश्रेष्ठ भक्ति अर्जुन का भक्ति, उनसे बड़ा भक्त जगत में कोई है नहीं, क्या आप ये चीज को स्थापन करना चाहते हो, बोले नहीं नहीं ये चीज को मैं स्थापन करना नहीं चाहता हूँ, इनसे तो और भी बहुत सारे बड़े बड़े भक्त है, हैं बड़े बड़े भक्त है। तब उन्होंने बोले देखो मेरा अंतिम समय है, मैं चाहता हूँ मेरे अंतिम समय में भगवान की जो सर्वश्रेष्ठ भक्त है, सर्वश्रेष्ठ जो भक्ति है, उसको भी मैं थोड़ा स्मरण करना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या बोले, ललित गति बिलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पी तोरुमाना कृतमनु कृतवत उन्मंधा प्रकृति मगन किला जस गोप बद्धो। इसलिए यहाँ पर जो गोप बद्ध गोपियों का जो बधु गोपी बधु जो ब्रज गोपियाँ हैं, कहते उनकी प्रेम को सर्वश्रेष्ठ रूप में स्थापन करते, मुरारी प्रभु उस दिन बोल रहे थे। इसलिए वहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक एक शब्दों को बहुत उन्होंने, आप लोग अगर इच्छा हो पढ़ने का तो टीका को अच्छे तरह से पढ़ लेना, उन्होंने एक एक शब्दों को बहुत बहुत उच्च भाव से उन्होंने एक एक शब्दों को उन्होंने दिखाया। बोले यद्यपि ललित गति विलास बल गुहास, कहते यद्यपि भगवान की बहुत सारे लीला है, लेकिन उन लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ लीला कौन सा लीला है, कहते जय जय रास लीला सर्व मनोरम। इसलिए उनका जो रास लीला है वो रास लीला ही ये सर्वश्रेष्ठ लीला भगवान की, लेकिन ये रास लीला में किसको प्रवेश है, कहते केवल ब्रज गोपियों का ही ये रास लीला में प्रवेश है। ललित गति, कृष्ण तो सब जगह पर चलते हैं, सब जगह पर चलते हैं, लेकिन उनका जो सबसे सुंदर चलना कब है, जब वो ब्रज गोपियों के साथ में बंसी बटक नीचे गोपियों के साथ में जब नृत्य करते हैं ना, हैं जब नृत्य करते हैं, कहते सबसे सुंदर चलना वही है, ललित गति विलास बल गुहास, कहते उनको कृष्ण तो सबको देख रहे हंसते हैं, कृष्ण सबको अपना सखाओं को देख कर भी हंसेंगे, दास को देख कर भी हंसेंगे, माँ को देख कर हंसेंगे, लेकिन जब गोपियों को देख कर हंसते हैं, जब कृष्ण राधा रानी को देख कर हंसते हैं, वो हंसी एक अलग हंसी है, जब पति प्रियतम को देख कर हंसता है वो हंसी एक दूसरे तरह का हंसी है। बोले कृष्ण यद्यपि सब समय हंसते हैं, लेकिन जब गोपियों को देख कर हंसते हैं वो हंसी एक अलग हंसी है, हैं कहते निरीक्षमानम, कृष्ण सबको देखते हैं, सब भक्तों को दास्य सख्य वात्सल्य, लेकिन जब वो गोपी और राधा रानी को देखते हैं तो वो देखना एक और एक अलग देखना है, हैं वो एक अलग देखना है। इसलिए कहते हे प्रभु, कहते भगवान ये ब्रज गोपियों को कृष्ण कैसे बता रहे, जैसे उन्मान धंधा होकर के कृष्ण जब रास से चले गए, कैसे एकदम विभोर होकर के कैसे कृष्ण लीला की ये सब के सब कृष्ण लीला के अनुकरण करने लगे, कोई बोलते मैं कृष्ण बन गया, कोई बोलते मैं गोपी बन गया, कोई बोले पुतना बन गया। इसलिए यहाँ पर कहते जो कृष्ण का जो सर्वश्रेष्ठ लीला है कृष्ण का, और उनका जो सर्वश्रेष्ठ भक्त है ये कौन है, रासलीला सर्वश्रेष्ठ लीला, और सर्वश्रेष्ठ जो भक्त है ब्रज की गोपियाँ ही ये सर्वश्रेष्ठ भक्त है, इनके भक्ति जैसे जगत में और किसकी भक्ति है नहीं। इसलिए कृष्ण हर जगह में अपना प्रतिज्ञा किए हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, मेरे को जैसे भजन करता है मैं उसको ठीक उसी का अनुरूप भजन करता हूँ, लेकिन गोपियों के पास में आकर के उनका जो प्रतिज्ञा टूट गया, बोले न पार है अहम निरबद्ध संजुजाम गोपिया, ब्रह्मा जैसे परमायु लेकर के भी तुम्हारी ऋणी से कभी उऋणी में हो ही नहीं सकता। एक उदाहरण देते हैं, बोले कोई एक पहलवान था, सब जगह में डीघ हाँकता, कोई होता आ जाओ मेरे हाथ में दो हाथ कर लो, सब जगह में डीघ हाँकता था, लेकिन जहाँ एक सर कहीं ना कहीं सवा सरे मिल ही जाते हैं, लेकिन एक साथ उस हाथ में कोई सवा सरे वाले मिल गए, जब सवा सरे मिल गए वो बड़ा डीघ हाँकता था, आ जाओ तो कोई आ जाओ, इतने में सवा सरे वाले बोले कर युद्ध लड़ाई क्या करोगे, कुश्ती क्या करोगे, मेरे हाथ से केवल हाथ मिलाओ, अरे जब हाथ में हाथ मिला है ना
जब सवा सिर वाला था, जो एक सिर वाला ऐसे जोर से पकड़ा, एकदम हाथ का चकना चुरी कर दिया है एकदम हाथ को, और एक झटका मारे तो एक झटका में पूरा चरणों को नीचे गिरा दिया। उसको साथ में पहलवान किया, उसके साथ में कुछ तो किया करेगा, पूरा उसको चरण को नीचे गिरा दिया। बोले भैया तेरे साथ में पार नहीं पाऊंगा, तेरे साथ में लड़ नहीं सकता। इसलिए कृष्ण एक सिरे वाले हैं, कृष्ण सब जगह में ढीक हाँकते थे, हैं जो जैसे मेरे को भजन करता है मैं उसके अनुरूप उसको प्रेम प्रदान करता हूँ। बस सभा सिरे वाले कौन, गोपियाँ जब इनकी चक्कर में पड़े ना, बोले भैया न पा रहे हम तुम्हारी प्रेम को मैं पार नहीं पाऊंगा। इसलिए पितामह भीष्म यहाँ पर कहते हैं मेरा अंतिम समय है, इसलिए चाहता हूँ उनका जो सर्वश्रेष्ठ जो भक्त हैं, सर्वश्रेष्ठ जो लीला गोपियाँ और रासलीला को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। लेकिन पितामह भीष्म कहते हैं लेकिन मैंने तो उनको स्तुति की, लेकिन मेरे जो अधिकार है ना, मेरा अधिकार है विजय सखे रति मस्तु, मेरा जो अधिकार है अर्जुन का जो सखा कृष्ण है उसमें ही मेरा अधिकार है, उसके ऊपर मेरा अधिकार है नहीं, केवल स्मरण तो किया है लेकिन अधिकार तो हमारी यही है। इसलिए पितामह भीष्म कृष्ण सामने खड़े हुए, उन्हें स्तुति करते 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 प्रभु को दर्शन करते उन्होंने अंत विश्वास को उन्होंने त्याग दिया, जो शरीर ही छोड़ा। सारे देवता लोग कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्मांतर जतन करने पर भी अंतिम समय में भगवत स्मरण नहीं होता है, लेकिन देखो साक्षात कृष्ण दर्शन करते करते और अपना हृदय में चरण धारण करते हुए उनके नाम को लेते लेते अंतिम श्वास त्याग की, स्वर्ग से सारे देवता लोग पुष्पों की बौछार की, बोले पितामह भीष्म की, अरे जोर से बोलो, बोले पितामह भीष्म की। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं क्या, देखो यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं उन्होंने, हैं उन्होंने ये नहीं किया था, उन्होंने प्राण त्याग कर दिया, ये बात यहाँ पर नहीं आता है, यहाँ पर ये बात नहीं आता उन्होंने प्राण त्याग दे दिया। बोले फिर क्या आता है, बोले स्वंत श्वास उपारमत, कहते इसी शब्द को ऊपर में विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं तत्वतः पितामह भीष्म कौन है, कहते जो अष्टम वसु है, आठ वसु है, आठ वसु में जो एक वसु ये पितामह भीष्म। आप सब महाभारत कथा सुने होंगे, जिस समय गंगा एक एक बच्चा होते ही उन्होंने जाकर पानी में बहा लेती थी, और उन्होंने उन्होंने क्योंकि वो क्योंकि ये आठ वसुओं को उनको अभिशाप था, इनको अभिशाप था हैं, ये अभिशाप था इनके गर्भ में आने पर, प्राण त्याग करने पर उनको जल्दी जल्दी मुक्ति हो जाएगी। तो उन लोगों ने गंगा को प्रार्थना की थी, हम जन्म होते ही हमको पानी में बहा देना, बहा देने पर हमको मुक्ति मिल जाएगी, गंगा पानी में बहाने पर हमको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए ये बात तो सांत्वन महाराज को पता नहीं था, उनने छः बच्चे सात बच्चों को उन्होंने क्या किया, एक एक कर जन्म होते ही पानी में छोड़ देती थी, पानी छोड़ देती थी, और शादी से पहले गंगा क्या प्रतिज्ञा करवाई थी, बोले मैं जो कुछ बोलूंगी आप कोई बाधा नहीं देना, बाधा देगा तो मैं छोड़कर चले जाऊंगा। लेकिन जब उन्होंने सात सात बच्चों को मार डाली, लास्ट में उनको अगर सहन नहीं हुआ है, सहन नहीं हुआ उन्होंने, और जब वो बच्चे को पानी में बहाने जा रहे थे, लास्ट में रोक दिया, बोले नहीं तुमने सात सात बच्चों को मार डाली तुमने, ये बच्चों को नहीं। उन्होंने उसको गोद में ले लिया, बोले मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, मैं जा रही हूँ, हाँ मेरे को बाधा दे दिया, अभी मैं जा रही हूँ। इसलिए जो आठ वसु है उसमें ये जो एक वसु कौन है, कहते पितामह भीष्म एक वसु। इसलिए कहते जो वसु था उन्होंने क्या किया, और जब पितामह भीष्म कौन है, बोले ये भगवान की नित्य परिकर है, ये कृष्ण का नित्य परिकर है। जो वसु था उन्होंने क्या किया, उन्होंने वसु अष्टम वसु में अष्टम वसु चला गया, लेकिन ये जो नित्य परिकर कृष्ण के पितामह भीष्म, उन्हें नित्य परिकर का रूप धारण करते हुए कहाँ चले गए, भगवान की नित्य लीला में, ठाकुर को नित्य लीला में चले गए, और जो वसु उन्होंने अपना वसु स्थान में चले गए। इसलिए यहाँ पर उनकी अंतिम उनकी संस्कार की गई, और उनका अंतिम संस्कार से हैं उनका संस्कार करते हुए उसको बाद में इधर क्या हुआ, अभी श्री युधिष्ठिर महाराज ससागरा धारा पृथ्वी के संपूर्ण ससागरा धारा पृथ्वी के ऊपर में इनके राज्यों तो चल रहा था,
पितामह भीष्म थे, क्योंकि महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, युधिष्ठिर महाराज को राज सिंहासन में उनको स्थापन कर दी गई, संपूर्ण राज्य के ऊपर इनकी है, इसलिए राज्य तो चल रहा था और उनके राज्य में प्रजा लोग बड़े आनंद पूर्वक समस्त प्रजा रहते थे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज कौन है, कहते सके धर्म स्वरूप है, और जिस देश में धर्म हो, जिस देश में भगवान की भजन हो, कीर्तन हो, हरि कथा हो ना, उसका देश का लोग कभी दुखी रह नहीं सकते हैं, उसका देश का लोग बड़े ही प्रसन्न रहते, जिस देश में हरि कीर्तन हरि भजन हो। आप बृहत भागवत अमृत में सुने हो, जब नारद जी को उन्होंने बोले, बोले अगर भक्त देखना चाहते तो जाके दक्षिण देश में चले जाओ, जाओ वहाँ पर देखो कैसे भक्ति हो रही है, राजा होते हुए भी कैसे अपना परिवार को साथ में सबके सब कैसे कृष्ण भजन करते हैं, स्थान स्थान पर अन्न छत्र खुला हुआ, स्थान स्थान पर सत्संग है, सब जगह पर हरि कथा हो रही है, हर जगह पर भंडारा चल रहे हैं, वहाँ पर जितने संतों लोग जाकर के वही निवास करते हैं। क्यों, संतों को क्या चाहिए, एक तो प्रसाद चाहिए और हरि कथा चाहिए, संतों को तो यही दो चीजें है ना, एक तो हरि कथा मिल जाए और भगवान के प्रसाद मिल जाए, इसलिए वहाँ पर एकदम सारे सब को देखो तिलक लगाए हुए, गला में कंठी माला लेकर के सबके सब भजन, और वो देश कैसे है, सस्य समला देश है, वहाँ पर कोई पेड़ पौधा नहीं लगाते हैं, कोई पेड़ कोई बीज नहीं बोते हैं किसी वृक्ष का, लेकिन ये पृथ्वी इतने प्रसन्न, क्यों, कारण क्या है, पृथ्वी है वो देख रही है, माँ पृथ्वी देख रहे सबके सब भगवान की भजन भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इसलिए पृथ्वी इतने प्रसन्न है, बिना बोए अपने आप वृक्ष से फल फूल होता है, और इतने फल फूल होता है खाने वाले नहीं, बिना लगाए, क्यों, पृथ्वी जब खुश, पृथ्वी तब खुश रहती है जब सबके सब भगवान की भजन करे भक्ति करे, तब ये पृथ्वी खुश रहती है। भागवत में श्री पृथ्वी महाराज की कथा भी आती है, जब पृथ्वी महाराज जी समय आए, जब देखा पृथ्वी है सबके सब पृथ्वी जो वृक्ष लगाते सब शोषण कर लेती हैं, प्रजा लोग हाहाकार करते हुए, अकाल पड़ गया, कहते कोई वृक्ष लगाते हैं वो पृथ्वी एकदम अंतर ध्यान कर लेती हैं, कोई पेड़ पौधा हो ही नहीं रहा है, उस समय पृथ्वी महाराज को बड़ा क्रोध आया, धनुष उठाया, पृथ्वी को मारने के लिए जब चाहे पृथ्वी देवी प्रकट हो गई, बोले ये दुष्ट बैन राजा आ गया था, वो बैन राजा दुष्ट था, भजन नहीं करता था, भक्ति नहीं करता था, दूसरों को भजन करने नहीं देता था, इसलिए मैंने सब चीज को शोषण कर रही थी, अगर आप आ गए हो, अगर आप बेड़ा उठाओगे, सबसे भजन कराओगे, भक्ति कराओगे, मैं सब कुछ देने के लिए तैयारी हूँ, क्योंकि जो पृथ्वी रत्ना करे सब कुछ पृथ्वी का धर्म है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जिस समय श्री युधिष्ठिर महाराज तो कर रहे थे, प्रजा लोग इतने प्रसन्न रहते थे, इतने खुश रहते थे, क्योंकि सब जगह पर हरि कीर्तन हरि नाम ठाकुर का भजन है, हैं भजन है। उस समय कृष्ण अभी कहाँ पर थे, कृष्ण अभी हस्तिनापुर में थे, जब हस्तिनापुर में जब जब वो जाने के लिए तैयारी होते थे, पांडव लोग कुछ ना कुछ बहाना बना देते थे, प्रभु और कुछ दिन रुक जाओ, और कुछ दिन सेवा ले लो, हैं किसी तरह से उनको जाने नहीं देते थे। एक दिन कृष्ण ने कहा देखो ये द्वारका भी तुम्हारी राज्य है, इतना दिन हो गया वहाँ पर तो जाना पड़ेगा, वो भी तुम्हारा राज्य है, इसलिए अभी मेरे को विदाई दो। इतने में युधिष्ठिर महाराज बोले अर्जुन जाओ कृष्ण को लेकर के तुम द्वारका में पहुँचा करके आओ। तो वहाँ पर कहते सात्विक, कहते उद्धव सात्विकी सबके सब चामर ढुलाते हुए सुंदर एकदम छत्री, कैसे बोले एकदम सफ़ेद रंग का छत्री, भगवान कृष्ण बैठे हुए और भगवान कृष्ण और अर्जुन उनको जब ले जा रहे थे, जिस गांव होते हुए जाते थे, हैं जिस गांव होते हुए जाते थे, जब गांव वासियों को पता चलता था भगवान कृष्ण जा रहे, सबके सब निकल कर आते थे, भगवान को स्वागत करते थे, ठाकुर जी का आरती उतारते थे, आरती जब उतारते थे लगता है कैसे जैसे सूरज को जैसे दिया जलाते ना, सूरज को जैसे दिया दिखाते, कृष्ण तो स्वयं आत्माराम और आत्मकाम है, हर देश में जय जयकार करते हुए सब राज्य उनको स्वागत करते हुए कृष्ण द्वारका पहुंचे। जब द्वारका पहुंचे इतने में कृष्ण अपना शंख बजाया, कृष्ण का शंख का नाम क्या है, कहते पांच जन्य शंख, उसका आवाज ही अलग है, हैं वो आवाज ही अलग है। जब उन्हें पांच जन्य शंख बजाए पूरा द्वारका में पता चला कृष्ण आए हैं, संपूर्ण द्वारका कृष्ण को अभ्यर्थना करने के लिए आरती लेकर के संपूर्ण द्वारका जब आए, इतने में सर्वप्रथम
कृष्ण ने क्या किया, कहते ना प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माता। सबसे पहले उन्होंने अपना पिता माता को उन्होंने चरण छुए हैं, चरण छो करके और जितने बड़े लोग थे उनको सम्मान दिया, बच्चों को उन्होंने आशीर्वाद दिया, दे करके पत्नी को साथ में जितने महिषियों को साथ में लास्ट में मिले, पत्नियों को साथ में कब मिले, लास्ट में मिले, आगे नहीं मिले पत्नी से, पहले पूरा परिवार गुरुजन को मिल करके कृष्ण यहाँ पर मर्यादा का शिक्षा देते हैं। ऐसे नहीं घर में बीबी आ गई तो पिता माता को अलग कर दिया, भाई बंधु को अलग कर दिया, बीबी सब कुछ हो गया, मैंने हैं पत्नी सब कुछ हो गई, नहीं पत्नी लास्ट में पत्नी है। इसलिए जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा में जाते हैं क्या करते हैं, रथ को कौन खींचती है, महिषियाँ गोपियाँ खींचती हैं, हैं, लेकिन अपने सुभद्रा को रथ में बैठा कर ले जाते, भैया को अपना भैया को बहन को क्या करते हैं भगवान कृष्णा, एक एक तरह से क्या है उनको साथ में ले जाते हैं, पत्नियां रथ खींचती हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान मर्यादा को सिखा दिया। इतने में कृष्ण जब आए थे, कृष्ण एक थे, हैं कृष्ण एक थे, लेकिन कृष्ण के कितने महिषियां थी, 16,108, लेकिन कृष्ण तो एक थे, लेकिन जब कृष्ण गए ना, कृष्ण जब गए सब महिषियां देख रही थी कृष्ण हमारे साथ में, कृष्ण हमारे साथ में कृष्ण है, सब के सब देख रहे थे कृष्ण, 16,108 रूप कृष्ण धारण करते हुए अपना महलों में प्रवेश किया। तब यहाँ पर कहते हैं अरे कृष्ण क्या द्वारका में थे ही नहीं, कहते कृष्ण क्या द्वारका में थे ही नहीं कृष्ण, बोले नहीं कृष्ण द्वारका में थे पूर्ण रूप में, लेकिन जब कृष्ण आए फिर इनको स्वागत करने के लिए क्यों आए, कहते इनका जो प्रेम है ना ये अनुराग, इनका जो प्रेम है, कहते राग अनुराग स्नेह मान प्रणय, कहते ना इनका जो प्रेम का लक्षण है अनुराग, कहते ये अनुराग का लक्षण क्या है, कहते अनुराग का लक्षण यह है जब जब कृष्ण को देखे तब तक उनको क्या लगे, जैसे पहला बार देख रहा हूँ, जीवन में पहला बार देख रहा हूँ कृष्ण को, कभी कृष्ण पुराने नहीं लगते, कृष्ण कभी पुराना नहीं लगते, कि अनुराग का ये लक्षण है। इसलिए महिषियों का जो प्रेम अनुराग तक है, हर समय कृष्ण को ये नए 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 रूप में दर्शन करते हैं। इसलिए कृष्ण अभी गए अपना द्वारका में, अपना बड़े सुख पूर्वक अभी द्वारका में प्रभु विराजमान कर रहे हैं। और उसको पहले कहते विदुर जी कहाँ चले गए थे, तीर्थ पर्यटन करने के लिए विदुर चले गए थे। विदुर जब तीर्थ पर युद्ध से पहले, आपको पता है जब विदुर ने श्री धृतराष्ट्र को बोले, बोले धृतराष्ट्र अगर तू ये राज्य को बचाना चाहते हो, कि जो दुर्योधन ना ये साक्षात कली है, उनको पूरा मुंह में बोल दिया ये कली है, अगर तू इसको तू प्रसय दोगे ना पूरा पूरा संपूर्ण तुम्हारी राज्य ध्वंस होकर राख बन जाएगा, अगर इनको बचाना चाहते हो, बहुत कोशिश की गई जब किसी तरह से नहीं हुए, लास्ट में ये बोली बोले अगर बचाना चाहते हो उसको दुर्योधन को त्याग दे, नहीं तो तुम्हारा राज्य खत्म हो जाएगी। जब उन्होंने ये बोले ना दुर्योधन को इतना क्रोध आया, बोला अगर हमारे चाचा नहीं होते ना गला को काट देता, हाँ शुरू कर दो, इसलिए जिसकी थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो, निकल जा हमारा राज्य से, हैं हमारे सामने मेरे को, हाँ मेरे को मारने के लिए कोशिश करते हो, मेरे को त्याग देने के लिए। तो विदुर ने क्या किया था, उन्होंने वहीं पर सारे राजपोषा को त्याग करते हुए तब उन्हें चले गए थे। जब युद्ध किस तरह से रुका नहीं, उन्होंने तीर्थ के लिए निकल गए थे। फिर क्या हुआ फिर हम इसको कल सुनेंगे। वंशा कल्प कृपा सिंधु।